हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मेथी की सब्जी। और आलू और मेथी की सब्जी बनाने के लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखी हुई है, जैसे कि मैंने है ना ये गार्लिक है ना छील के और काट के रख ली है, ग्रीन चिली भी काट के रख ली है, थोड़ी सी मैंने हींग ली है और थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा लिया है। और ये आलू मैंने पहले से कट करके रख लिए हैं एंड मेथी भी मैंने पहले से वॉश करके रख ली है। ये रही मेथी, ये भी मैंने पहले से साफ करके और वॉश करके रख ली है। आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कढ़ाई में तेल। अब ये तेल गर्म हो रहा है और मैंने सरसों का तेल यूज किया है। आप चाहें तो रिफाइंड में भी इसको बना सकते हैं और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं। अब ये तेल मेरा गर्म हो चुका, अब इसमें डालूंगी मैं तो पहले हींग। ये मैंने हींग डाल दी है। अब इसके मैं बाद में डालूंगी गार्लिक जो कटा हुआ रखा था। ये थोड़ा सा पक जाए इसी में मैं जीरा और ग्रीन चिली जो मैंने काट के रखी थी वो भी डाल दूंगी। ये सब मैंने डाल दिया, अब इसको पकने देती हूँ। ये पक चुका है, अब इसमें डालूंगी मैं आलू जो मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं। इस आलू को डाल के फ्राई करना है। आलू को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन में नहीं आ जाए। जब आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है तो सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको ऐसे ही फ्राई करना है। देखिए ये आलू मेरे पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आपको इस कलर के आने तक आपको आलू को फ्राई करना है। अब इसमें डालना है मेथी। अब मैंने इसे मेथी डाल दी है, अब आपको अच्छे से मिक्स करना है। आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी मैंने मिक्स कर लिया, अब इसमें डालूंगी मैं नमक। ग्रीन चिली ऑलरेडी डाल चुकी हूँ तो चिली डालने की जरूरत नहीं है और हल्दी डालूंगी नहीं, क्योंकि हल्दी डालने से इसका जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए हमको सिर्फ नमक यूज करना है इसमें। अब इसको नमक यूज करने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए थोड़ा सा पानी इसमें से हो रहा है, लेकिन आप गैस का फ्लेम तेज ही रखिएगा और इसको अच्छे से फ्राई करिएगा। और आलू जो है वो तो पहले ही पक चुका है, काफी हद तक 70% पहले पक चुका है, क्योंकि उसको मैंने फ्राई किया था बहुत देर तक। अब जब इसका पानी सूख जाए तो इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के पका लेना है स्लो गैस पर। ये देखिए हमारी मेथी की सब्जी पक चुकी है और जो इसका आलू है ये भी पक चुका है। और अब इसको, लेकिन आपको इसको फ्राई बहुत अच्छे से करना है। जितनी ज्यादा फ्राई होगी इसका टेस्ट उतना ही ज्यादा आएगा। देखिए आलू पक चुका है, अब इसको आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। गैस का फ्लेम तेज रखिएगा और इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। देखिए मेरी, देखिए ऐसे आ रही है। ये देखिए हमारी आलू मेथी की सब्जी तैयार हो चुकी है और मैंने इसको अलग से निकाल लिया है। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और इसको आराम से आप पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।